कोरोना वायरस के चलते बिलासपुर जिला में 30 जून तक कर्फ्यू लागू है, मगर ऐसे में खनन माफिया लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मामला बिलासपुर जिला के जुखाला बोमकड़ी क्षेत्र का है, जहां खनन को लेकर क्रेशर पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद निजी क्रेशर द्वारा धड़ल्ले से अवैध खनन जारी और रोजाना 100 से अधिक ट्रैक्टरों द्वारा खड से माल सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल से की और डीसी बिलासपुर ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिला खनन अधिकारी को आदेश जारी किए। स्थानीय लोगों की माने तो कोरोना वायरस के चलते देश व प्रदेश में लगे लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच में खनन माफियाओं द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से अलीखड़ में बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है, जबकि खनन के लिए क्रेशर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में विभाग अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन उपायुक्त बिलासपुर को सौंपा है। बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिला खनन अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। अभी मुझे एक डेलीगेशन जो हमारा अलीगढ़ जुखाला इलाके से, जो कि तहसील सदर में पड़ता है, वो मुझे मिला था डेलीगेशन। उन्होंने लिखित में एक मुझे ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने जांच मांगी है वहाँ पर। उनका कहना है कि अवैध खनन हो रहा है किसी एक निजी स्टोन क्रशर के मालिक द्वारा। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वहाँ पर एक स्टोन क्रशर जो है वो, जो कि अक्टूबर 2019 से बंद था, कि उसे भी चलाया जा रहा है। तो जैसे अभी उन्होंने मेरे ये संज्ञान में डाला है, जो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, इस पर तुरंत मैंने इंक्वायरी ऑर्डर की है और जो हमारे जिला खनन अधिकारी हैं, माइनिंग ऑफिसर, वो मौके का निरीक्षण करके एक सप्ताह के भीतर मुझे रिपोर्ट देंगे, ऐसे मैंने उसके ऊपर आदेश किया है।